दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और मैं जोमैटो में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। ये घटना उन दिनों की है जब मैं नाइट शिफ्ट में काम किया करता था ताकि ज़्यादा इंसेंटिव और ज़्यादा सैलरी मिले। तो एक रात लगभग 2:30 बजे के करीब मुझे एक ऑर्डर डिलीवर करना था और वो लोकेशन जयपुर का ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर लोकेशन था, पर मुझे कैसे भी वो ऑर्डर डिलीवर करना था। तो ऑर्डर पैक हो जाने के बाद मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं जैसे जैसे उस लोकेशन की तरफ बढ़े जा रहा था, मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़े जा रही थी। और अब मैं सिटी से थोड़ा सा दूर हटके एक अजीब सी शांत एरिया में पहुंच चुका था, जहां दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खैर, मैं बाइक चलाते चलाते लोकेशन पे पहुंचा और फिर मैंने देखा कि वहां कोई भी घर नहीं था और मैंने देखा कि लोकेशन एंड हो चुका था। अब मैं अपनी बाइक बंद करके चारों तरफ अपनी नजर घुमाता हूँ और देखता हूँ एक भी घर नहीं है, बस चारों तरफ गुप्त अंधेरा फैला हुआ है। बस कुछ झिंगुरों की बोलने की आवाजें आ रही थी कि तभी सामने खेत से हल्की सी रोशनी आई, जैसे किसी ने लाइट चलाई हो। फिर जब मैंने देखा तो वो एक घर था जिसकी छत स्टील की थी, जिसे लोग करकट या लोहे के चादर वाली घर भी कहते हैं। और उसी छोटे से घर की खिड़की से वो लाइट दिखाई दे रही थी। वो घर देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और अभी मैं उस घर की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। जब मैंने चेक किया तो देखा मुझे कस्टमर की कॉल आ रही है। ये देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऑर्डर भी कैश ऑन डिलीवरी करना था। फिर मैं उस घर की तरफ देखते हुए कॉल को उठाया कि तभी उस खिड़की से आती हुई लाइट बंद हो जाती है और फिर से एक बार चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। इतने में कॉल पे आवाज आई, बेटा लगता है लाइट चली गई, तू मेरा खाना मुझे लाके दे दे, मैं सामने वाले घर के अंदर हूँ, जल्दी से आजा बेटा, चिंता मत कर मैं तुझे देख सकती हूँ, जल्दी से सामने वाले घर में आजा बेटा। ये सब सुन के मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अब मैं अपनी बाइक से उतर के उस ओल्ड लेडी का खाना बैग से निकाल के उस घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर खेत के बीच में बना हुआ था, तो जो खेतों के बीच में पतले से रास्ते होते हैं, मैं उन रास्तों पे चल के एक हाथ में अपना फोन का फ्लैश ऑन किए और दूसरे हाथ में उस कस्टमर का खाना लिए उस अजीब सी घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मैं सच बताऊं, उस वक्त तक मैं इतना नहीं डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट काफी तेज होए जा रही थी। और मैं उस घर के बाहर पहुंच के आवाज लगाता हूं, आंटी कोई है? फिर अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ बेटा, पैसे टेबल पे रखे हैं, उठा लो और खाना टेबल पे रख दो। सच बताऊं तो अब मैं डरने लगा था। फिर मुझे मेरी दादी की बात याद आई। एक बार उन्होंने कहा था, जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि आसपास कोई भूत या प्रेत है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो मन में हमारे कुलदेवता का नाम 7 बार लेना। अगर वहां सच में कोई ऐसी चीज हुई तो कुल देवता खुद तुम्हारी मदद करने आएंगे। फिर मैंने ऐसा ही किया और 7 बार कुल देवता का नाम लेने के बाद उस घर का गेट जोर से बंद हुआ। फिर अंदर से आवाज आई, जा चला जा यहां से, आज तो तू बच गया। ये सुन के मैं घबराते हुए पीछे हटा।
और दौड़ के बाइक के पास पहुंचा और अपनी बाइक लेके मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने अपने सुपरवाइजर को कॉल करके सारी घटना बताई और उस रात के बाद मैं सिर्फ डे शिफ्ट में काम करता हूँ। और एक दिन उसी लोकेशन के पास मुझे एक खाना डिलीवर करना था, तो डिलीवर करने के बाद मुझे वो सड़क दिखी जो उस सुनसान इलाके को जाती है जहां मैं उस रात मरते मरते बचा था। लगभग 3 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा वहां दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत हैं, लेकिन एक भी घर नहीं था। और एक दिन जब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था तो मुझे हिंदी हॉरर चैप्टर्स के बारे में पता लगा। फिर मैंने अपनी स्टोरी सबेरा भाई के साथ शेयर की ताकि वो मेरी कहानी को अपनी आवाज में आप सब तक पहुंचा सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी भावेश की कहानी जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद आई। यदि आपको भी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ये बताइएगा कि यदि आप भावेश की जगह पे होते तो उस रात क्या करते। आप भी भागते या फिर उस घर के अंदर जाते? तो फटाफट कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले हॉरर चैप्टर्स के साथ।